हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं टीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आप जिंक आज कहां पे एंट्री कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जिंक 180.97 पिवट पॉइंट, 183.19 फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 184.52 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 186.74, फर्स्ट सपोर्ट 179.64, सेकंड सपोर्ट 177.42 एंड थर्ड सपोर्ट 176.09। तो ये देख सकते हैं जिंक 15 मिनट चार्ट लिया, तो इसमें देख सकते हैं 15 मिनट चार्ट में जिंक टोटली ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो डाउन ट्रेंड में जब रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल में जाना चाहिए, क्योंकि हमें बाय रिस्क बाय लेना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन बाय कहाँ पे ले सकता है हम। तो जिंक जैसे ही जो भी हो, अगर डाउन ट्रेंड में रहता है मार्केट, तो क्या है हमको पहले एक सपोर्टिंग लेवल निकाल लेना चाहिए, और अगर बाय में जाना है तो सपोर्टिंग लेवल के आसपास में ही हम लोग बाय में जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखा, मैंने ये निकाला था सपोर्टिंग लेवल, तो यहाँ से आप बाय जा सकता था। तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे बाय लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट बिहेवियर को देखेंगे तो देख सकता है यहाँ पे पहले यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज और 50 को एक ही साथ में फॉलो करके वहाँ से बाउंस हुआ, बाद में 50 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ मार्केट, तो बाद में ये 100 मूविंग एवरेज के आसपास से बाउंस हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ और अभी यहाँ से 100 मूविंग एवरेज से बाउंस हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट आना चाहिए नीचे, तो नीचे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है, इसलिए हमने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाया। तो ये 178 तक ही मार्केट 178 तक मार्केट नीचे आ सकता है ये, राइट, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लाइन है। तो यहाँ से फिर से मार्केट बाउंस हो सकता है। तो ये इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी एक जिगजैग पैटर्न में चल रहा है, तो एक रेंज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अगर उसको एक रेंज डाल दूँ तो ये रेंज में आप देख सकते हैं मार्केट एक जिगजैग पैटर्न, ये लोअर को ब्रेकआउट किया थोड़ा नीचे, या फिर से ये जो हाई था उसको ब्रेकआउट किया, तो एक सपोर्टिंग बनाया, फिर से नीचे आया, उसके बाद जो हायर पॉइंट था उसको ब्रेकआउट किया, नीचे आया, ब्रेकआउट किया, नीचे आया, तो एक एक जिगजैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो ये जिगजैग पैटर्न में ट्रेडिंग करने से थोड़ा दिक्कत होता है जो नया ट्रेडर होता है, तो इसलिए उसको एक रेंज निकाल लेना चाहिए। जैसे ये मैंने रेंज दिया, तो रेंज का नीचे में अगर आपको नीचे मिला ये एरिया में, तो इसमें थोड़ा बाय जा सकता है ये अपर बैंड की तरफ, राइट। तो अगर यहाँ पे मिल सकता है तो आप फिर से सेल कर सकता है, तो क्योंकि एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो रेंज ट्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे सपोज मैंने तो सपोज आपको ये रेंज में नीचे में मिल गया मार्केट, तो यहाँ पे आप बाय जा सकता है, राइट। तो मार्केट ये नीचे आ गया, तो यहाँ से बाय ले लीजिए अराउंड 178 से। तो आप देख सकते हैं ये जो मिडिल पॉइंट है 180, तो 180 में आपको निकल जाना चाहिए, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।